नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हो डॉक्टर एजुकेशन। आप में से कौन कौन है मोटा? भाई साहब, कौन हो मोटे? ए मोटे ए मोटे, किसी ना किसी, जो भी इंसान मोटा है, ओबेस है, मोटापा है, उसको जिंदगी में ये वर्ड तो सुनने को मिला होगा, ए मोटे, ए मोटे, आर यू ओबेस। मतलब आप अगर ये वर्ड सुन के आपके दिमाग की कोई इंडिकेशन आती है, पलटी मारी है ना, पलटो, पलट के देखा है आपने कभी, तो जी हाँ, आप मोटे हो। लेकिन मोटापा होता क्या है? क्या मैं सच में मोटा हूँ? क्या मुझे बीमारियाँ हो जाएंगी? मोटापे से हो क्या जाएगा? क्यों हो गया मोटा? ये सारे सवाल है कई लोगों के मन में। कई लोग देखते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ, लेकिन दूसरा इंसान जो बिल्कुल मेरे जितना ही खाता है और मेरे ही घर में रहता है या मेरे ही आसपास रहता है, बिल्कुल मेरी जगह से, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, फिर वो पतला क्यों है? तो क्या बीमारियाँ हैं हमारे अंदर जो एक्चुअली ऐसी चीज़ें, ऐसा फ़र्क पैदा करती हैं? ये सब सवालों के जवाब आपको आज हम बताएंगे मोटापे के इस लाइव सेमिनार में। सिंपल सी चीज है यार, मैंने कहा था कि मैं सेमिनार नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, आपसे मिले बगैर ऐसा मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, टेंशन नहीं, करते हैं सेमिनार, की फर्क पैदा है कि नहीं। सो फिर मैं कहा किस पे करे, चलो मोटापे करे, है कि नहीं। सो मोटापा, देखिए कई लोगों को लगता है कि वो ओवरवेट है, मोटापे, देखिए ओवरवेट और मोटापे में फ़र्क है। ओवरवेट होना, कई बार मसल्स भारी भारी होती हैं, आपको मैंने वीडियोस में बताया है कि मसल फैट से 3 गुना भारी होती है, सेम साइज होगा लेकिन भारी होगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मसल हैं तब भी आपको लग सकता है कि आप ओवरवेट हैं, बिकॉज वेट स्केल आपको हैवी दिखाएगी, जो मेरे केस में बहुत ज़्यादा केस है, क्योंकि मेरे केस में मसल ज़्यादा है कि नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मस्कुलर हूँ मैं, है कि नहीं। जस्ट किडिंग, बट पॉइंट इज कि वज़न तो हमने, फैट तो थोड़ा लूज़ किया है, लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा हमने फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा ज़रूर थोड़ा सा मसल मास को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि मोटापा क्यों हो रहा है। मोटापा होने के बेसलाइन रीजन्स होते हैं, मोटे मोटे 3 रीज़न भैया। या तो आप बहुत अति मात्रा में खाना खा रहे हो, अति मात्रा में, जितनी आपके शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, हो सकता है आप जितना खा रहे हो उतना खाने में दूसरा आदमी पतला हो, आप मोटे हो रहे हो, ये बिल्कुल, बिकॉज हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपकी बॉडी वेट, आपकी मस्कुलैरिटी, जितना ज़्यादा मसल उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर पूरे दिन भर की भाग दौड़ उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट, राइट। सो हर एक की रिक्वायरमेंट, हो सकता है आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, खाना कम कर सकते हो। नंबर 2, हो सकता है आप ज़्यादा पी रहे हो, पानी नहीं, दारू। जी हाँ, दारू पीने से इंसान मोटा होता है, बिल्कुल मोटा होता है, बहुत ज़्यादा दारू पीने से मोटे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन रीज़न है इंडिया के अंदर। नंबर 3 रीज़न है, और सबसे कॉमन रीज़न है, सबसे दुनिया का सबसे कॉमन रीज़न है, बताइए, गेस करिए, करो, बताओ, एक्सरसाइज। जी हाँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज। आप बहुत कुछ कर रहे हो आप, लेकिन इनफ एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आप हो रहे हो मोटे। सो जी हाँ, ये तो मेरे को पता था, है ना, आपको तो पता था, लेकिन ये टॉप 3 रीज़न, इसके अलावा भी रीजन्स है। इसके अलावा आपकी बायोलॉजी मैटर करती है, आपकी इंसान, हर एक इंसान की बायोलॉजी, मतलब अंदर की फिजियोलॉजी अलग है, आपके अंदर सिस्टम्स अलग है, आपके अंदर सिस्टम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 लोगों को बोलेंगे कि भाई तू ताकत लगा, तो हर एक की ताकत सेम नहीं होगा, चाहे उनकी उम्र सेम हो, चाहे खाना सेम खाते हो, चाहे वो, वैसे ही हर एक आदमी सेम रिस्पॉन्स नहीं देगा हर एक दवा से, हर एक आदमी सेम रिस्पॉन्स नहीं देगा हर एक वेट लॉस प्लान से, इसीलिए कोई भी गारंटी चीज नहीं होती, इसीलिए हर एक की बायोलॉजी अलग होती है। सेम खाना खाके कई लोग मोटे हो जाते हैं, कई लोग पतले हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है, और आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं, मेरे पास डाइट प्लान बनाने का टाइम नहीं, मेरे पास जो खाने को मिलता है वो पकाने का टाइम नहीं है। सो सबसे बड़ी चीज़ें हैं बहाने। सो बहाने मारोगे तो कभी पतले नहीं हो सकते। उसके बाद प्रॉब्लम है बीमारियां। जी हाँ, एक्चुअल बीमारियां होती हैं, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड आपका वीक है, यानी उसके वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो है और आप हो रहे हो मोटे। नंबर 2 प्रॉब्लम आपका है मेडिकेशंस लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, ऐसी दवाओं से आप मोटे होते हो। बॉटम लाइन, क्यों, कैसे, काय को, वो दूसरा वीडियो है, लेकिन मोटे होते हो। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो इवन आप अच्छा करोगे फिर भी मोटे होगे, जैसे कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दोगे। जी हाँ, सिगरेट पीना जो छोड़ देते हैं, इमीडिएट छोड़ने के बाद 2 से 5 किलो तक उनका वजन बढ़ सकता है,
दैट इज नॉर्मल, 6 महीने के अंदर अंदर, पहले 6 महीने में फिर कम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो भी एक रीजन है, स्ट्रेस एक बड़ा रीजन है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जितना अच्छे से नहीं सोते हैं, जितना सैड होते हैं, जितने एंजाइटी होती है, जितने घबराते हैं, उतना ज्यादा वजन आपका बढ़ने के चांसेस होते हैं। मीनोपॉज यानी महीने आने बंद होने के बाद आपके वजन बढ़ता है, करीब 5 से 7 किलो तक वजन बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो ऑब्वियसली वजन बढ़ता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आपका वजन बढ़ सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन पता कैसे चले कि आप मोटे हो कि नहीं हो? सबसे बड़ा फैक्टर बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक एस्टीमेट है, आपके हाइट और वेट से निकाला जाता है। वो एस्टीमेट एग्जैक्ट नहीं बताता, वो एस्टीमेटेड फैट परसेंटेज बताता है आपकी बॉडी का। और मोटापा शुरू होता है, ओवरवेट शुरू होता है उसमें 25 से 25 to 30, यानी 29.9 ओवरवेट है। मोटा ओबेस नहीं, ओबेस ओवरवेट अलग है, ओवरवेट यानी 29.9 तक, 25 से 29, 30 से 35 यानी 34.9 तक आप हो जाते हो क्लास 1 ओबेस। क्लास 2 ओबेस 35 to 40, और 40 के ऊपर क्लास 3। क्लास 3 जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपकी बीमारियों के रिस्क बढ़ते हैं। कौन सी बीमारियां? आपको मोटापा है, ज़्यादा हैवी लेके घूम रहे हो, अपना दिमाग में ये सारी चीज़ें बीमारियां, नंबर 1 बीमारी ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है, हाई ब्लड शुगर डायबिटीज़, नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल, लिपिड डिसलिपिडेमिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के बोन। भैया भार उठा के चलो 20 किलो की बोरी शरीर में, तो बोन्स का क्या होगा? बोन कुचलेंगे कि नहीं? सो बोन्स खराब होंगी, जॉइंट्स खराब होंगा, और ख़राब होंगे आपके बॉडी के अंदर सारे ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स। सो मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। और पता है आपको वेस्ट सर्कमफ्रेंस, BMI तो आपने सुना होगा, वेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में नहीं पता होगा। विमेन में, लेडीज में 35 के इंचेस के ऊपर अगर उनकी कमर है, 35 के इंचेस के ऊपर कमर है, तो उनको ये सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आदमियों में 40 के ऊपर है, तो 40 के ऊपर है तो उनके कमर का साइज बढ़ जाता है, उनको रिस्क बढ़ जाते हैं। और साथ ही अगर मान लो आपके अंदर जो आपका वजन है वो ऐसा है, जो आपका शेप है वो पियर एप्पल शेप है, कि तो मुंह छोटा है, पेट मोटा है, पैर पतले हैं, और आप बन गए पियर शेप, तो पियर शेप के शरीर वालों को ये सारे रिस्क फैक्टर्स और भी ज़्यादा तेजी से हो जाते हैं। तो ये हुई बात आपके मोटापे की। मोटापा कम करने का तरीका बहुत सिंपल है, 3 बेसिक्स बताए थे, कम खाओ, दारू कम कर दो, एक्सरसाइज बढ़ा दो, खत्म। और कुछ नहीं सोचना, बाकी सोचने का काम हमारा है, बीमारी तो नहीं है, कोई पिल तो नहीं है, कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डॉक्टर सोचेगा। उसके ऊपर अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, तो गो टू अ डॉक्टर। योर वेट लॉस प्लान शुड नॉट बी मेड बाय अ डाइट एप्लीकेशन, इट शुड बी मेड बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर समझता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको, कई लोगों को देख के पता चल जाता है, अरे ये तो थायराइड, कई लोगों को देख के, अरे ये तो वो बीमारी है, ये तो पॉलीसिस्टिक, अरे ये तो ये है, तो डॉक्टर हैज दैट एक्सपीरियंस, नो एप्लीकेशन कैन डू दैट फॉर यू। सो गो फॉर दैट, हेल्दी चीज़ें करो, हेल्दी स्नैक्स खाओ, हेल्दी रेस्टोरेंट से फूड मंगाते हो तो हेल्दी चीज़ें मंगाओ, इंस्टेड ऑफ उल्टे सीधे जंक फूड, तली चीज़ें कम खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो, खाना भी है तो कम खाओ, मीठा खाना है कम खाओ, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाओ। क्या हेल्दी? वेजिटेबल सैलेड, सैलेड्स डबल या फैट फ्री डेयरी, वो ज़्यादा, प्रोटीन्स कंप्लीट करो, राइट। ड्रिंक्स अपने उल्टे सीधे कम करो, ठंडा, गर्मी आ गई, गर्मी में ये लगा के ये जूसेस लो, शेक ले, फलूदा ले, गन्ने का जूस ले, ये और ये मोटे, ऐसे भी हो जाएगा, ले तो मोटा, ऐसे हो जाएगा, ले मोटे, ए मोटे, ऐसा हो जाएगा। सो रिमेंबर टू डू ऑल दीज थिंग्स, राइट। मोटापे से बचो, मोटापे में बहुत दिक्कत है, ये हुई बात मोटापे की। अब लीजिए आपके सवाल लेते हैं, और पहले हम चले जाते हैं अपने पेड यूजर्स के पास। पेड यूजर्स ने हमें सवाल दिया, कुछ सवाल सुपर चैट में पहला सवाल आ चुका है हमारे फाजिल दोस्त मिस्टर मनीष का। मनीष जी पूछ रहे हैं कि सर 6.1 हाइट, वेट 106, कितना वेट होना चाहिए मेरा? अगेन आप वेट को मत देखिए, आप BMI और वेस्ट को देखो। यही इसीलिए मैंने बताया, अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप कतई ओबेस हो, ओवरवेट कैटेगरी में फिर भी चल जाओगे, बिकॉज मसल्स का वेट हैवी होता है, तो आप मसल्स ज़्यादा हैवी लेके ओवरवेट कैटेगरी में भी जा सकते हो। बहुत ही अति मात्रा के वो अति बॉडी बिल्डर हो, तब जाके आप मस्कुलर होके ओबेस कैटेगरी के ग्रेड 1 में जा पाओगे। बट देन द पॉइंट इज़,
कैलकुलेट योर बी एम आई, इफ इट इज अंडर 30 यू आर गुड, इफ इट इज नॉट देन गेट इट अंडर 30 एंड देन कैलकुलेट योर वेस्ट, वेस्ट अगर 40 के नीचे है तो यू आर गुड, वरना यू हैव अ प्रॉब्लम, मोटे हो आप फिर। चलो ये हो गया, हमने अपना यहाँ खोल लिया, अब हम लेते हैं सवालों के जवाब। ऑलराइट, चलो सवालों के जवाब लेना शुरू करते हैं मोटापे पे। ऑलराइट, सो लाइव चैट पे हम जाते हैं, लाइव चैट पे ऊपर हम गए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेना शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखो, एक सेकंड में कम से कम 15 सवाल होते हैं। ओके, एग फ्राई, एग हाफ फ्राई चलेगा या फुल फ्राई? दोनों चल जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, चलेगा कि नहीं ये सवाल है। बेस्ट कौन सा होता है वो अलग बात है, बेस्ट के लिए आप हाफ फ्राई, जी हाँ, जो आपका एग येलो होता है उसको थोड़ा कच्चा रखेंगे और एग वाइट को पका लेंगे तो वो बेस्ट ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है कि वही बेस्ट, वही खाना है, ऐसा नहीं है, बिंदास खाओ, जैसा पसंद है वैसा खाओ, डोंट वरी, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन याद कर रहा है, कौन था वो? एनीवेज, सॉरी फॉर दैट। हाँ देखो, मैं बताया था ना, इस पर नहीं छींकना भाई साहब, इस पर छींकोगे ना, छू करते हाथ में या उसमें, तो फिर वो आप ऐसे ऐसे लगा के अपनी बीमारियाँ फैलाओगे। सो इसलिए छींकना है तो कोनी, दैट इज़ वन गुड ऑप्शन। ऑलराइट, देन क्वेश्चन, सर क्या सडन वेट लॉस करने से हेयर फॉल होता है? एब्सोल्युटली भैया, हमारी बात हमी को बता रहे हो, 25 बार हमने बताया सडन वेट लॉस करोगे तो हेयर फॉल होगा, ये हेयर फॉल वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, होता है। वेट लॉस इंसुलिन पीपी 208 है, क्या करूं? इंसुलिन पीपी क्या होता है बता? शुगर आपका 208 है, इंसुलिन क्या? सर वेट लॉस इंसुलिन पीपी 200 है, क्या करूं? ये बात होगी कि आपने आधी बात सोची है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, क्या करूं? क्यों नहीं करता? 10,000 चीज़ें हो सकती हैं सर, वो ना खेलता रहता है, उसको पबजी की आदत लगी है, उसका एक बुरा सा दोस्त है, उसको दारू पीने की आदत लगी है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, उसको लड़कियों के पीछे पड़ गए, तो कारण भैया, कारण क्या करूं नहीं होता है, पता करो क्या बीमारी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता क्या, है कि नहीं? वेट लॉस शुगर, शुगर वाला वीडियो देखो, नीचे लिंक दिया हुआ है, शुगर बाय डॉक्टर एजुकेशन। सर सेक्स का डॉक्टर को क्या कहते हैं? सेक्स के डॉक्टर को कहते हैं धोखा, DHOKHA, धोखा। सेक्स का कोई डॉक्टर नहीं होता, इंडिया में तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है, सेक्सोलॉजिस्ट ऐसा कुछ नहीं है, और बाहर वाले भी डॉक्टर जो होते हैं वो सेक्स के डॉक्टर जो होते हैं एक्चुअल, उनको कहते हैं फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, मेल के लिए यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, उस चीज़ के डॉक्टर हैं। बाकी जो सेक्सोलॉजिस्ट नाम लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि आप लोग मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हाँ भाई तुम सेक्सोलॉजिस्ट लिखो, या फिर एक्चुअली 10 में से 5 या 6 सेक्सोलॉजिस्ट धोखा है इंडिया के अंदर। उसके बाद नहीं तो काम आज कम एप्पल बनाने का टाइम बता दूं, क्या क्या कुछ नहीं समझ, गुड एडवाइस, थैंक यू। स्किन लूज आफ्टर वेट लॉस? एब्सोल्युटली लूज होगी भैया, स्किन है इतनी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, और जल्दी जल्दी वेट लॉस करोगे तो स्किन विल नॉट गेट टाइम टू एडजस्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मेनी टाइम्स, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज स्लो वेट लॉस, स्लो वेट लॉस होगा तो आपकी स्किन को टाइम मिलेगा एडजस्ट करने का, सो डोंट वरी अबाउट इट, स्लो वेट लॉस करो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेट। एक किलो, एक आधा किलो इन वन वीक इज सेफ, मैक्सिमम एक किलो, उससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। और इसी के साथ थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल लंबा है। सर मुझे चेस्ट पेन रहता है एंड पेट में जलन भी रहती है एंड बैक एंड लेग में भी पेन रहता है, ECG भी कराई, नॉर्मल है, कई बार कराने से दवाई लेता हूँ तो मैं रिलैक्स मिल जाता है, ECG के अलावा इकोकार्डियोग्राफी और TMT करा लो, हार्ट को पासे कर लो, पासे का मतलब होता है साइड कर लो, रूल आउट कर लो, उसके अलावा चेस्ट पेन बाय डॉक्टर एजुकेशन का फुल डिटेल वीडियो नीचे देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें आगे क्या करना होता है, और बताने के लिए इस चीज़ के 100 और कारण हो सकते हैं। किसी को अप्रिशिएट हुआ कि हमने नवा चश्मा बनाया, नागपुर गए थे ना वहाँ से। CLD क्या ये विथ स्टोन हाउ टू ऑपरेट? सर लो प्लेटलेट काउंट, देखिए यहाँ पर बात आ गया, अगर आपका ऑपरेशन करना है तो प्लेटलेट बढ़ने का वेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट ऑपरेट एनीथिंग, ये तो चलो दूसरी कोई भी स्टोन है, कोई भी चीज़ के लिए ऑपरेशन कम प्लेट लो प्लेटलेट काउंट में नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं भी चीरा मारोगे तो प्लेटलेट चाहिए आपके क्लॉट वो खून रोकने के लिए, खून नहीं रुकेगा तो क्या करोगे, इंसान मर सकता है, सो इसीलिए लो प्लेटलेट काउंट पे नो ऑपरेशन,
थिंक अबाउट क्यों प्लेटलेट काउंट कम है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ने दो या बढ़ाओ, बढ़ने दो या बढ़ाओ, फिर उसके बाद ऑपरेशन करो। इमरजेंसी है तो फिर प्लेटलेट चढ़ा के ऑपरेशन करना पड़ता है, राइट। हाइड्रोसील से पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नो नो, नीचे प्रॉब्लम होता है। ऐसा बड़ा बड़ा घूमते हो ना लेके, बड़ा बड़ा लेके घूमते हो ऐसे ऐसे, तो वहां पे छाले भी हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है। ऐसा पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। एक और पेट सवाल, रजल साजल रॉय, कोलेस्ट्रॉल 200, ट्राइग्लिसराइड 105 और एलडीएल 117। अगर आप गलती से कोई दवा ले रहे हो तो उस दवा को साइड में रख दो, उसको लेना बंद कर दो और डाइट एंड एक्सरसाइज DASH डैश डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन ट्राई करो। कम से कम दवा से छुटकारा पा लोगे, आपको कतई जरूरत नहीं पड़ेगी डाइट उसकी, डाइट एंड एक्सरसाइज ओनली थिंग। कोलेस्ट्रॉल बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो नीचे दिया हुआ है, ओके वीडियो का लिंक नीचे दिया है, नहीं तो यूट्यूब पर टाइप मारो, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। हाइड्रोसील हो गया सर। हाउ टू क्योर कैंसर? माई मैटरनल अंकल हैज कैंसर। यू कैन नॉट क्योर कैंसर, यू कैन नॉट क्योर कैंसर, राइट। कैंसर इज लाइक आपके घर में अगर मधुमक्खी ने जाला बना दिया, मधुमक्खी का घर बन गया, या अगर आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना दिया, सो क्या ऐसा कुछ कर सकते हो कि वो घोंसला वहाँ से अपने आप गायब हो जाए? नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, कैंसर को निकाल के आपको। या फिर आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ कचरा हो गई है, गल गई है घर में पड़ी पड़ी, उस गले हुए चीज़ को वापस जिंदा कर सकते हो, कि वापस पूरा फ्रेश कर सकते हो? अगर नहीं, वो गंदा है, सड़ेगा, गलेगा और चीज़ें खराब करेगा, यू हैव टू टेक इट आउट। सेम गोज विथ कैंसर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू हैव टू किल इट, रिड्यूस इट एंड देन टेक इट आउट, दैट्स इट। यू कैन रिड्यूस इट बाई मेडिकेशन एंड देन टेक इट आउट, बट यू हैव टू टेक इट आउट, ठीक है सर। वाइट हेस्ट को नेचुरली बैक कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर मेरा वीडियो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसको जाके देखिए। और एक और कामले जी ने पेड सवाल, सर नर्सिंग नहीं 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 सर नरिंग नीरिंग, यार हिंदी में लिखा ना बहुत दिमाग हिंदी में क्यों लिखते हो यार, कोई बात नहीं सर। री रनिंग रनिंग, हे भगवान, इंग्लिश वर्ड हिंदी में, तभी मैंने सोचा ये मैंने कभी पढ़ा क्यों नहीं हिंदी में, हिंदी में कोई इंग्लिश रनिंग ऐसा नहीं लिखता। एनीवेज सर, रनिंग से वेट लॉस करते हुए मसल लॉस के कैसे बचाएं? मसल लॉस से कैसे बचाएं? वेट लॉस डेली रनिंग मत करिए, सिंपल है। वेट लॉस से बचाना है तो मसल्स को रेस्ट देना होगा। आप करिए HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, रनिंग करो, स्प्रिंट और उसके बाद रुको, स्प्रिंट और रुको, स्प्रिंट और रुको, इस तरह, और अल्टरनेट डे करो। एक दिन रनिंग करो, दूसरे दिन दूसरी मसल की एक्सरसाइज करो या मत करो, वेरी सिंपल एज अ पिंपल। इस तरह से आप मसल लॉस से बचाएंगे, ओके। HIIT बाय डॉक्टर एजुकेशन, उस पर एक डिटेल वीडियो है मेरा, वो जाके देखिए। कैन रन 5 kilometers 25 minutes एंजाइटी ऑफ कार्डियक अरेस्ट? नो, डोंट वरी, एंजाइटी इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप इस तरह से मत करो कि मुझे 25 मिनट में 500 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है। आप अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाओ। आपको अगर एंजाइटी हो रही है कि नहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हाँ मैं रोड पर जाऊँगा तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सर दुखने लग गया यार, सॉरी, राइट। पता है कई लोग समझेंगे हम लोगों की जिज्ञासा, यहाँ से ऐसे कान दुखने लग जाता है कई बार, यहाँ से भी भाई मामा, जस्ट किडिंग, ओके किडिंग नहीं, सच में दुखता है, ओके क्या क्वेश्चन था, भूल गया। हाँ, 5 किलोमीटर में 5 है भैया, ये जो डर होता ना कि मैं रोड पे जाके मुझे गाड़ी ठोक देगी, डर को कोई नहीं निकाल सकता, वो समय लगता है अपने आप निकल जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है भैया। ऐसे सवाल ना पूछो, सिंपल सवाल पूछो। 19 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएंगे यार, इसको जल्दी जल्दी छोड़ देते, चलो 25 ले लो, चलो उससे ज़्यादा नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाउ टू क्योर कैंसर? वाइट हेयर, सर मैं वॉक भी करती हूँ रोज़, डाइट भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी मोटी हूँ। ले वॉक, रोज़ डाइट और एक्सरसाइज, पहली बात तो ये, वॉक से नहीं पतले होते, ये आप लोग भूल जाइए। वॉक तो उन लोगों के लिए जो घर से ही नहीं निकलते, कम से कम वॉक तो करो, है कि नहीं? ऐसे जो रोज़ वॉक करते हैं वो पतले नहीं हो सकते। सर क्या बोल रहे हो? जी हाँ,
जब तक आप अपने शरीर को चैलेंज नहीं करोगे आप पतले नहीं हो सकते। अपने शरीर को चैलेंज करते रहना, जो आप रोज वॉक करते हो दैट बिकम्स कंफर्टेबल आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। आपकी बॉडी को कोई मेहनत नहीं लगती वो काम करने के लिए। जहाँ पे मेहनत नहीं है वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग से बहुत ख़तरनाक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे, जब तक गरीब नहीं होगे आप बैंक अकाउंट खाली नहीं करोगे, समझ रहे हो, गरीब नहीं होगे तब तक बैंक अकाउंट खाली नहीं करोगे। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को ग्लूकोज से स्टार्व करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी फैट यूज़ करेगी, कि बॉडी के लिए बैंक है, एनर्जी बैंक है, वो नहीं यूज़ करेगी इस तरह। इसलिए यू हैव टू ब्रेक दैट प्लेटू। किसी का क्वेश्चन था हाउ टू ब्रेक द प्लेटू, ब्रेकिंग द प्लेटू इज मेक योर सेल्फ गरीब एनर्जी वाइज। हाउ, ऐसा नहीं कि भूखे रहना है, भूखे नहीं रहना है, राइट। चार महीने सैलरी नहीं आएगी ना, वाट लग जाएगी तुम्हारी, इसलिए ऐसे नहीं करना, ठीक है। कम सैलरी में काम चलाओ, सेविंग में डालो, ऐसा चीज़ है। कम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करो, ऐसा है। वाट लग जाएगा, डाय बड़ा वाट वाट नया, मतलब आज मेरे से मुंह से पहली बार सुना होगा, बट देन इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। क्वेश्चन क्या था, क्रोनिक पेल्विक पेन, ओके, पेल्विक पेन, बोन पेन, बोन पेन इज नंबर वन रीजन फॉर कॉज ऑफ, कॉज उसका है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हड्डियों में कैल्शियम विटामिन डी की कमी, नंबर वन। नंबर टू इज डिहाइड्रेशन, मसल लॉस, ये बाकी क्रोनिक डिजीज कुछ कई हो सकती है, एनीमिया, खून की कमी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, ट्रेस मिनरल, बथेरी चीज़ें हो सकती है। डायग्नोसिस का काम डॉक्टर का, आपका काम है कमी पूरी करो, हेल्दी डाइट लो। योर रोल ट्रूली जस्टिफाइज गॉड ऑनर, नहीं भाई साहब ऐसी बात है ना जी, ना गॉड ऑनर, थैंक यू सॉरी सजल जी, ऐसा ना बोलो, हम तो बंदे हैं, बंदे ही रहने दो, थोड़ी बहुत काम जरूर कर लेते हैं, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। पहले 50 वेट था बेबी, जब से हुआ 75, तो ये देखो, ये बेबी जब से हुआ 75 है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी मेंटेनेंस, पूरा बॉडी का ना जो बायोलॉजी चेंज हो जाता है थोड़ा सा, सो यू हैव टू पुश इट हार्डर, राइट। हर हफ्ते अपनी डाइट से एक चीज कम करो, एक थोड़ा पोर्शन कम करो किसी एक कार्बोहाइड्रेट का, रोटी का, फैट का या शुगर का, प्रोटीन को रखो, और हर हफ्ते थोड़ी सी अपने आप को चैलेंज को बढ़ाओ, आप धीरे धीरे पतले होने शुरू होंगे, चाहे अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले हफ्ते कहीं तो डेफिसिट आएगा ना, कैलोरी डेफिसिट आएगा ही आएगा, बॉटम लाइन, ठीक है ना, डोंट वरी, हो जाएगा। सर वे प्रोटीन इज वेजिटेबल, हैं सर वे प्रोटीन, प्रोटीन इज वेजिटेबल, नो, वे प्रोटीन इज नॉट वेजिटेबल, इट इज मेड अप ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क इज नॉट वेजिटेबल, इट्स नॉट अ वेजिटेरियन थिंग, इट्स अ वेगन नहीं है, वेजिटेरियन फिर भी बोल लो, नॉन वेज में नहीं आता मिल्क, बट देन इट इज या वेजिटेरियन, ठीक है, वे इज अ वेजिटेरियन, वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेरियन हो सकता है, यू कैन से दैट, दूध से बनता है ना इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश शर्मा, काफ पेन आफ्टर चिकनगुनिया फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, यस, चिकनगुनिया का दर्द महीनों तक रह सकता है, अगर आपको 5 सालों से है देन देर इज सम अदर फैक्टर जो आप गड़बड़ कर रहे हो, राइट। अगर कभी एक बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन अगर बच्चा बार बार, हर बार, अब एक बार फेल हो गया, एक क्लास रिपीट करी, उसके बाद वो पास ही नहीं हो रहा, देन गड़बड़ आप में है, कि आपने वो बच्चे के अंदर दूसरों कुछ ऐड ही नहीं किया, वहाँ पे कमी जो थी उसको पूरा नहीं किया। सो अगर आपका चिकनगुनिया से पेन हुआ है तो बिल्कुल हो सकता है 4-6 महीने तक रह सकता है, साल तक रह सकता है, 5 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मे बी यू आर डिहाइड्रेटेड, मे बी यू हैव डेफिशिएंसीज, मे बी यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली, नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, मे बी कोई बीमारी है, सो थिंक अबाउट इट, गो टू अ डॉक्टर, गेट इट डायग्नोस्ड, ओके। ऑल राइट, डन, बल्ले बल्ले, ओके, वेट लॉस, ओके, सर मेरे पैरों में पर छाइयाँ आ गए हैं, पहले नहीं थे, पैरों पर छाइयाँ इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ पीपल हु आर ड्राइविंग इन द बाइक, ये नहीं सुना होगा कभी आपने, है? मैंने भी ये अभी अभी सोचा, क्योंकि पैरों में झाइयाँ आएंगी क्यों, धूप में से तो चलो धूप में तो एक्सपोज नहीं हो रहे पैर, फेस तो हो रहा है, फेस में चलो आ गई झाइयाँ, पैर में क्या हो रहा है, बाइक चला रहे हो, गर्म गर्म धुआं वहाँ छूट रहा है, धुएं से वहाँ स्किन इरिटेट हो रही है, एंड यू आर हैविंग दो स्किन डिजीजेस, स्किन प्रॉब्लम, फीमेल्स भी बैठती हैं पीछे, मेल्स भी बैठते हैं बाइक्स में, देयर इट इज, सोचा कभी, या फिर कई बार ट्रैफिक में भी ऐसे खींच के पीछे धुआं आ रहा है उस वजह से, दैट इज हाउ थिंग्स गो। थैंक यू फॉर मच रूप जंप मोटिवेशन फॉर दिस, फॉर द
1 मिलियन थैंक यू। सो आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुनिया दुनिया धन्यवाद दुनिया धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा 1 मिलियन कंप्लीट करवाया। आगे कंप्लीट को बढ़ाते जाइए और अब हम कुछ और नया शुरू करना चाह रहे हैं। मैं शुरू करने वाला हूँ 1 सीरीज जिसमें हम हर एक सिम्टम को डिस्कस करेंगे आपसे, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि सिम्टम्स को ही हम ऐसे डिस्कस करें, राइट। इस सीरीज को हम सिम्टम वाली सीरीज बनाते हैं, टेस्ट वाली सीरीज बनाते हैं, CBC, LFT, KFT, राइट, ESR, CRP, GFR, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, इन सब पे एक सीरीज, ऐसी एक एक वीडियो बनाते हैं, तो कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है, करें कि नहीं करें, नीचे लिख के बताओ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, कल फिर मिलता हूँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और थोड़ा प्रोत्साहन दो यार, अभी थोड़ा सा ना मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझे, मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए, आपके कमेंट्स, आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी फॉलोइंग, थोड़ा यूट्यूब में, थोड़ा इंस्टाग्राम में, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ना आया है एक तरीके से प्रेशर किसका, कि और बेहतर चीज़ें करनी है। सो यू नीड टू गिव मी रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिस्पॉन्स में शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर दो, बाय बाय।